Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English Literature channel. Today we will going to discuss about very amazing topic, that is research philosophy. Okay, I already uploaded a video on research methodology. What is research? What is methods? What is methodology? And what is research methodology? You can check it out in our description box, the link of this video. Okay, so let's start this amazing video with an amazing definition. Okay, so according to Sanders, research philosophy, a system of beliefs and assumptions about the development of knowledge. Okay, if we will translate it into Urdu, then according to Sander, research philosophy एक ऐसा phenomena है, बल्कि एक ऐसा system है जिसमें beliefs, ideas, assumptions शामिल होते हैं. Okay, beliefs का पता है, ideas का पता है, but assumption क्या है? Assumption ऐसी theories होती हैं which have no doubt. Okay, which has been cleared their doubts due to experiments, observation. Okay, ऐसी theories जिसमें कोई doubt ना हो, क्योंकि experiment हुई हुई हो, जिस पर test हुआ हुआ हो, और फिर वो proof होकर फिर जब apply की जाए, ऐसी theories को हम assumptions बोलते हैं. Okay, so ये system है beliefs का, assumptions का, या theories का, which have no doubt. क्यों? किस लिए, किस चीज को एनहेंस करने के लिए? फॉर डिवेलप आर नॉलेज, डिवेलपमेंट ऑफ नॉलेज. ओके, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ये बताया है कि रिसर्च किस लिए होती है, जस्ट फॉर सीक अ न्यू फैक्ट्स. ओके, जस्ट फॉर रिवील हिडन ट्रूथ्स, जस्ट फॉर डिस्कवर न्यू थिंग्स एंड इन्वेंट समथिंग न्यू, समथिंग फ्रेश. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिसर्च फिलोसफी अकॉर्डिंग टू सैंडर. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट के रिसर्च फिलॉसफी जो है और हम किस तरह इसको डिस्कस करते हैं. अब सबसे पहले हम रिसर्च के बारे में पता करते हैं कि व्हाट इज रिसर्च. ओके, रिसर्च क्या है? रिसर्च जो है ना, ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट व्हाट इज रिसर्च. रिसर्च इज अ वर्ड व्हिच हैज टू पार्ट्स. ओके, फर्स्टली री एंड सेकंड वन इज सर्च. What's meant by re? Meaning of re is again. Okay, search me to find out something deeply or critically. ऐसा data जो already search हो, उस पर जब आप again search करते हैं, then it can be called research. Okay, let's read its definition. The systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts. ओके, एंड रीच न्यू कंक्लूजंस. दिट्स वेरी अमेजिंग लाइन, दैट एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या स्टडी करते हैं कुछ मटेरियल को. वो किसी भी तरह का मटेरियल हो सकता है, नॉवल, ड्रामा, या कोई भी बिब्लियोग्राफी, बायोग्राफी. मैं सारा कुछ आपको रिसर्च के बारे में अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ. ओके, इधर मैं शॉर्टकट ले रही हूँ. से अब ऐसा मटेरियल जिसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसके अपन नेक्स्ट सराय, ठीक है, अब जहाँ यहाँ पे वो थेरीज, उस वो मटेरियल जो हम सर्च कर रहे हैं, वो अप्लाई भी हुआ होगा. क्योंकि जब एक राइटर दूसरे राइटर्स को पढ़कर ही अपना, या उनको कॉपी करके ही क्या करता है, अपने जो राइटिंग है ना, उसको इम्प्रूव करता है. ठीक है, अब उसने भी किसी को कॉपी किया होगा, अब उसकी राइटिंग को भी आगे किसी ने कॉपी किया होगा. तो जो भी सोर्सेज हैं, जिस जगहों से या जिस जिस सोर्सेज से वो लिया गया है, और कितनों ने आगे उसको फॉलो किया है, वो भी हम इसमें देखते हैं. किस लिए? जस्ट इस्टेब्लिश फैक्ट्स, जस्ट इस्टेब्लिश और इम्प्रूव आवर नॉलेज एंड रीच न्यू कंक्लूजन्स, ताकि हम नए नतायज अखज कर सकें और उन तक पहुँच सकें. ओके, द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, ऑब्वियसली ये क्रिएशन है नए नॉलेज की. जब आप किसी मटीरियल को पढ़ते हैं, आपको बड़ी नई चीज़ें मिलती हैं सीखने को. ठीक है, और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे, सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट, मैथडोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग. ओके, दिस इज़ वेरी अमेजिंग. ये क्या होता है? रिसर्च का मतलब क्या होता है? ठीक है, नॉलेज को क्रिएट करना, या जो ऑलरेडी सर्च डेटा है, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, उसको नए वे देना.
अपनी क्रिएटिविटी से उसको जो है जनरेट करना, नए कॉन्सेप्ट्स उससे क्रिएट करना, उसके उससे नए कॉन्सेप्ट लेना, उसमें से ही नए मेथड्स निकालना और उसको एक नए न्यू वे में अंडरस्टैंडिंग उसकी क्रिएट कर देना. दिस इज कॉल्ड, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. ओके, अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट आर्ल रॉबर्ट बेबी, सो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी. ओके, रिसर्च क्या है? एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है. सिस्टमैटिक का वर्ड क्यों यूज हो रहा है ना बार बार? सिस्टमैटिक या सिस्टम का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? सिस्टमैटिक का वर्ड ऐसे यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्रुप ऑफ फिलोसफर्स, ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स मिलके जब काम करते हैं देन इट कॉल्ड सिस्टम. एक टीम बन के जब वर्क करते हैं, ठीक है, एक टीम के थ्रू जब इंक्वायरी होती है किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, ये क्या कैसे हुआ, किसने लिखा, क्यों लिखा, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, फिर इसमें मेथड्स कौन सा अप्लाई हुआ है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जब आप रिसर्च करते हैं, एक टीम मेंबर मिलके जब करते हैं तो वो सिस्टमैटिक वे कहलाता है, सिस्टमैटिक इंक्वायरी कहलाती है जब आप टीम के साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी मटेरियल पे. ठीक है, फिर प्रेडिक्शन करना, फिर एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व फिनोमिना. फिर जब आप जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको कंट्रोल, उसका फिनोमिना जो है ना उसको कंट्रोल करना, दिस इज कॉल्ड रिसर्च अकॉर्डिंग टू आर्ल रॉबर्ट. गॉट इट? नाउ लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज फिलोसफी. ओके, द मीनिंग ऑफ फिलोसफी इज लव ऑफ विजडम. आप फिलोसोफर बनते कैसे हैं? आप जिनके पास विजडम होता है, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा अकल होती है, वही थेरीज याद करते हैं, वही फिलोसफीज इन्वेंट करते हैं. ठीक है, अब उनके पास बड़ी ब्रॉड सेंस होती है. अब उन सेंस का यूज़ करते हुए जब वो किसी चीज़ को इन्वेंट करते हैं देन वो चीज़ क्या कहलाती है? फिलोसफी कहलाती है. और वो बंदा जो इन्वेंट करने वाला है वो फिलोसफर कहलाता है. इन अ ब्रॉड सेंस फिलोसफी इज़ एन एक्टिविटी पीपल undertaken when they seek to understand fundamental truth about themselves. अच्छा, आप जैसे न्यूटन ने एक सेब से सारी ग्रेविटी का वो याद कर दिया ना थ्योरी, सारी फिलॉसफी. इस तरह ऐसे बंदे जो कि ऐसे लोग जो ट्रुथ की, फैक्ट्स की तलाश में हमेशा रहते हैं, उसको तलाश करने के लिए नए नए थेरीज को अप्लाई करते हैं, उनको हम फिलॉसफी बोलते हैं. ठीक है, उस चीज़ को जो उस पर अप्लाई की जाती है और जब बाद में कंक्लूजन निकलता है उसको हम फिलॉसफी कहते हैं. द वर्ल्ड इज इन विच दे लिव, उस दुनिया में रहते हुए उसी दुनिया को अखज करना, उसी दुनिया को इन्वेंट करना, उस दुनिया को डिस्कवर करना, दिस इज कॉल्ड फिलॉसफी एंड देयर रिलेशनशिप्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर. ओके, क्या बना अब उनका रिलेशन कैसा हो गया, उनका और उनके दुनिया का रिलेशन एक दूसरे के साथ जुड़ गया, यानी कि वो अपनी दुनिया में रहते हुए अपनी ही दुनिया को जब इन्वेंट करेंगे तब उन दोनों का रिलेशन स्ट्रांग होगा और स्ट्रांग रिलेशन उन लव की वजह से ही. अच्छा, लव एक तो दुनिया और उनका, किसका लव? फॉर एग्जाम्पल ये दुनिया है, ठीक है, दुनिया का और उनकी अकल जब मिल जाती है तो इट कैन बी कॉल्ड लव ऑफ विजडम. वो लव ऑफ विजडम के ही चक्रों में वो नई फिलोसफीज याद कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड फिलोसफी. अच्छा, अब फिलोसफी जो है ना बहुत तरीकों की होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा उसके टाइप्स हैं. फिलोसफी ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ फेमिनिज्म, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ माइंड, फिलोसफी ऑफ लिटरेचर, देर आर लॉट ऑफ फिलोसफीज. ये फिलोसफीज क्यों हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ के पीछे के फैक्ट्स क्या हैं, लॉ के पीछे का हिडन ट्रुथ क्या है, लॉ की क्यों डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, ये कौन कौन अब इस दुनिया में किस तरह अप्लाई हो रहा है, इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, ईच एंड एवरीथिंग जब आप डिस्कवर कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं जब आप उसको एक तरीके में, एक वे में, देन दिस इज कॉल्ड फिलोसफी बिहाइंड दिस टाइप. वो लॉ की हो सकती है, रिलीजन की हो सकती है, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, हिस्ट्री, फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज, ईच एंड एवरीथिंग. ओके, सो अब हम बात, हमने फिलॉसफी पढ़ा, रिसर्च पढ़ा, अब हम बात करते हैं व्हाट इज रिसर्च फिलॉसफी. ओके, सो रिसर्च फिलॉसफी इज अ बिलीफ अबाउट द वे इन विच डेटा अबाउट अ फिनोमिना शुड बी गैदर्ड, एनालाइज्ड एंड यूज्ड. सो फिलॉसफी जो है ना एक ऐसी फिनोमिना है, ये एक
सिस्टम है एक बिलीव्स का, आइडियाज़ का, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जिसमें क्या होता है, किसी भी कोई मटेरियल उठाया जाता है, उस मटेरियल से रिलेटेड जितना भी उसके सोर्सेज होते हैं ना, उन सब को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, गैदर किया जाता है, फिर उन पे उनको एनालाइज किया जाता है। जब वो प्रूफ हो जाते हैं कि हाँ ये सच है, इसमें से ये जो थ्योरीज अप्लाई हुई हैं, ये सारा कुछ ठीक है, क्लियर हो जाता है, सब डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब उस चीज़ को यूज़ किया जाता है ना बाकी चीज़ों पर, तो दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च फिलोसफी। किसी चीज़ को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को इकट्ठा करना, उसके सोर्सेज से डाटा इकट्ठा करना, उसको एनालाइज करना, फिर उसको यूज़ करना किसके लिए, बाकी थेरीज को सर्च करने के लिए, दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च फिलोसफी। ओके, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सैंडर्स, ये हम पढ़ चुके हैं, देर आर थ्री मेजर वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट रिसर्च फिलोसफी। अच्छा, अब वो वेज कौन से, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि ऑन्टोलॉजी क्या होता है, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ईच ऑफ देम कैरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस विच विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द वे वी कंसीडर रिसर्च वर्क। ओके, कहते हैं कि ये रिसर्च प्रोसीजर के लिए हर एक जो थेरी है, ऑन्टोलॉजी या फिलोसफी है, जो ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी, तो ये अपनी एक अहमियत रखती है। सबसे पहले ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी क्या होता है, नेचर के बारे में जो स्टडी होती है, नेचर की जो रियलिटी है, नेचर के फैक्ट्स क्या हैं, नेचर के पीछे रीज़न क्या है, नेचर किस तरह काम करती है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जब हम एक लफ्ज़ में या एक जो है डिफाइन कर देते हैं किसी उसको, तो वो क्या कहलाती है, फिलॉसफी कहलाती है। अब ऑन्टोलॉजी जो है ना वो नेचर की फिलॉसफी है, ठीक है। अब हम बात करें एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी हम पढ़ चुके हैं, एपिस्टेमोलॉजी क्या होती है, नॉलेज से रिलेट स्टडी करना, नॉलेज के रिलेट जब हम स्टडी करते हैं, नॉलेज को इस्टेब्लिश करते हैं, नॉलेज के बारे में फैक्ट्स जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश के बारे में बात करें, तो इंग्लिश कहाँ से आई, किसने आयात की, कहाँ कहाँ अब यूज़ हो रही है, कहाँ कहाँ यूज़ हो चुकी हैं, कौन से नए वर्ड इसमें आ चुके हैं, इसके बिहाइंड रीज़न क्या है, ये किस तरह काम करती हैं और कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जब आप एक सिस्टम के अंडर रहते हुए इकट्ठी करते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड रिसर्च फिलोसफी। ओके, अब हम अगर एक्सियोलॉजी की बात करें, ये स्टडी है जजमेंट अबाउट वैल्यूज़ की स्टडी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस स्टडी इज इंटेंट ऑन क्रिएटिंग सम फैक्ट्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन विच आर मेड बाय सब्जेक्ट्स, देयरफॉर एपिस्टेमोलॉजी विल। ओके, ये एक्सियोलॉजी जो है ये स्टडी है फैक्ट्स की, सॉरी स्टडीज जजमेंट्स अबाउट वैल्यूज, वैल्यूज के लिहाज से जब हम जजमेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सियोलॉजी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो हमारी इस फील्ड में फिलॉसफी, रिसर्च फिलॉसफी में जो टर्म यूज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा एपिस्टेमोलॉजी की होती है, क्योंकि हम बारहा पढ़ चुके हैं कि रिसर्च फिलॉसफी क्या है, फॉर सीकिंग न्यू नॉलेज, फॉर डिस्कवरिंग, फॉर इन्वेंशन, फॉर सीक फैक्ट्स और हिडन ट्रुथ्स, ये तमाम क्या है, इन्हेंस करने के लिए, नॉलेज इन्हेंस करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसको रिसर्च फिलॉसफी कहते हैं। इस वजह से हमारे रिसर्च फिलॉसफी में सबसे ज़्यादा एपिस्टेमोलॉजी जो है वो यूज़ होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक दैट व्हाट इज दिस नॉट लास्ट बट नॉट लीस्ट एक्चुअली, ये हमारे हम इस ग्राफ्स के ज़रिए हम समझेंगे एक्चुअली व्हाट इज रिसर्च फिलॉसफी। बल्कि रिसर्च फिलॉसफी तो हम समझ चुके हैं, अब रिसर्च फिलॉसफी करते हैं मतलब रिसर्चिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा को एनालाइज किया, मुख्तलिफ सोर्सेज से हमने डाटा उठाया, उसको सेलेक्ट किया कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ें यूज़ हुई हैं, ये डाटा इस्तेमाल हुआ है। ओके, उस डाटा को कलेक्ट किया, फिर एनालाइज किया, फिर उसके बाद उसको सेक्शंस में चेंज कर दिया, ठीक है। ठीक है, एक सेक्शन लॉन्गिट्यूडनल और क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, उस चीज़ के सेक्शन बना दिए, उस डाटा के सेक्शन बना दिए, फिर उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, सर्वे किया, रिसर्च की, अब उस पर स्टडी की, ठीक है।
फिर उसके बाद हमने ये सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स अप्लाई करने के बाद, प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, हमारे पास आ गई उस डेटा की क्वालिटी, क्वांटिटी, ठीक है, उन तमाम चीज़ों की। अब उसमें सिंपल भी थी, कॉम्प्लेक्स भी थी, कुछ चीज़ें पचीदा थी, कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल सादा समझ आने वाली थी। अब जो समझ आने वाली थी, सिंपल थी, उसको हमने तो समझ लिया, जो कॉम्प्लेक्स थी उस पर फर्दर हमने रिसर्चिंग की, ठीक है। अब क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से अब हमने उस पर रिसर्च किया। फिर उसके बाद अब उसको क्वालिटी क्वांटिटी उस अप्लाई कर दी, सिंपल कॉम्प्लेक्स की भी फर्दरिंग रिसर्चिंग कर ली, ठीक है, डिस्कवरिंग कर ली। अब उस पर डिडक्शन अप्लाई हुआ, एबडक्शन अप्लाई, इंडक्शन। अच्छा, अब ये क्या होता है, उसमें जो कमी थी वो पूरी हो गई, अब उसमें जो ज्यादती थी वो हमने माइनस कर दी, ठीक है, ख़त्म कर दी, उसको निकाल दिया। अब चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी उसको हमने शॉर्ट कर दिया। तो ये चीज़ें डिडक्शन, एबडक्शन एंड इंडक्शन कहलाता है। फिर उसके बाद वो चीज़ें जब हमारे पास आ गईं, उस पर हमने थेरीज अप्लाई की, वो मेथडोलॉजीज, मेथड्स अप्लाई किए, वो पॉजिटिविज़म, रियलिज़म, इंटरप्रेटिविज़म एंड प्रैग्मेटिज़म। अब ये फिलोसफीज़, ये मेथड्स हैं, ठीक है, ये अप्लाई करने के बाद जब हमारे पास प्रूफ आ गया, देन वो चीज़ क्या कहलाती है, रिसर्च फिलोसफी। एक डाटा कलेक्ट किया, फिर उसके हमने सेक्शंस बना लिए, सेक्शंस बनाने के बाद उस सेक्शन वाइज हमने उसको एक्सपेरिमेंट किया, उस पर सर्वे किया, ठीक है, सारा कुछ उस पर किया। फिर उसको उन सर्वे किए हुए चीज़ों को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स से, ठीक है, वो हमने उस पर फर्दरिंग रिसर्चिंग की। फिर उसको रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि इसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, क्या हमने इसमें समराइज़ करना है, ठीक है, उन सब चीज़ों को भी हमने एनालाइज़ किया, ठीक है। फिर हमने उस पर अप्लाई किया, फिर वो सारा कुछ अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आया, फिलोसफीज़ आ गई। देर आर अ लॉट ऑफ फिलोसफी, जैसे पॉजिटिविज़म निकल आया उसमें से, फेमिनिज्म निकल आ सकता है उसमें, रियलिज्म निकल आ सकता है उसमें, प्रैग्मेटिज्म निकल आ सकता है, इंटरप्रेटिविज्म निकल आ सकता है। तो दिस ऑल कैन बी कॉल्ड फिलोसफी, ठीक है। दिस इज आवर वीडियो, आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट, दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।